तहत मुंदहारा पर मोहम्मद शफी। सुबह यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन मिली, यहाँ के जो मकामी वार्ड पंच है शफीका बेगम, उनने फोन किया कि यहाँ पे उनके जो हमसाया एक्स सरपंच पंचायत मुंदहारा पर जो निसार अहमद लोन साहब थे, उनकी तो डेथ हो चुकी है और उनकी बीवी जो फरीदा बेगम यहाँ पे रह रही, उनके मकान को रात आधी रात बाद आग लग गई अचानक। आग की अभी कोई वजह का पता नहीं है। तो सुबह जैसे इनने इन्फॉर्मेशन दी तो मैं अपने कुछ पंचीज के साथ यहाँ पे स्पॉट पे पहुंचा। स्पॉट पे पहुंच के हमने देखा अस्थिगढ़ सिर लेखराज जी, उनको हमने कॉल की, उसके बाद पटवारी साहब से हमने कांटेक्ट किया, उसके बाद जो हमारे यहाँ पे चौकी इंचार्ज श्री राम रतन जी हैं कास्तीगढ़ में, उनसे बात हुई। उसके अलावा जो हमारे आर्मी के जो ऑफिसर गुरमुल में बैठते हैं, हमने उनको भी इन्फॉर्मेशन दी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को पहुंचाई। उसके अलावा जिन जिन डिपार्टमेंट्स के पास इस चीज की इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची है, उनको हम मीडिया के जरिए इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि जो भी उनका रोल है इस मसले में, और वो अपना रोल अदा करें। और ये जो बेवा फरीदा बेगम है और इनका जो भी नुकसान हुआ, जो भी लॉस हुआ, इसमें हर एक अपना अहम रोल अदा करें। उसके अलावा हम यहाँ की जो बरादरी है, जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, उनसे गुजारिश करते हैं कि जो भी मुमकिन हो सके वो उनकी मदद करें। हमसे भी जो हो सकता है एज सरपंच पंचायत, मैं 24 घंटे इनके लिए हाजिर हूँ, चाहे पंचायत में कहीं भी या पंचायत से बाहर भी कहीं भी ऐसा कोई मसला होता है। हमारी पहली जिम्मेदारी है कि हम अपनी आवाम की निगरानी रखें, और इसके साथ जो भी डिपार्टमेंट हमारे साथ पंचायतों के अंदर काम कर रहे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो ज्यादा से ज्यादा अहम रोल इस काम में अदा करें। इसमें ज्यादा से ज्यादा रोल हमारे जो चौकी अफसर साहब हैं, और उसके अलावा जो हमारे तहसीलदार साहब हैं, पटवारी साहब हैं, वगैरह वगैरह जो भी एजेंसी इन चीजों की जांच पड़ताल करती हैं, हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि जो भी हो सके इस बेवा की मदद करें। शुक्रिया।